हेलो किड्स, माय नेम इज़ सौरभ सिंह एंड आई एम मैथमेटिक्स टीचर इन JOGS एकेडमिक एंड टुडे माय टॉपिक इज राइटिंग न्यूमरल्स फॉर सेकेंड क्लास. ओके, सो राइटिंग न्यूमरल्स मीन्स क्या होता है? हमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें इनको दिखाना होता है. क्लियर? जैसे हमने सीखा था प्लेस वैल्यूज में, अगर हमें कोई एक डिजिट दी है, फॉर एग्जाम्पल 7, अगर हमें 7 को एक डिजिट दी हुई है तो हमें उसका न्यूमरल्स लिखना है, मींस उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. ओके, सो 7 यहां पर सिंगल डिजिट नंबर है और सिंगल डिजिट नंबर में कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? वंस प्लेस. ओके, जो सिंगल डिजिट होती है वो वंस प्लेस होती है और उसकी न्यूमरल क्या होगा? 7. ओके, उसी तरह से 2 डिजिट देखते हैं, 25. तो 25 में क्या होता है? 25 means 25 का मतलब 2 tens and 5 ones. Means place value हम देखते हैं, यहां पर 5 है ones place पे, तो ones place पे आप box में हम क्या लिखेंगे? 5. And second, ये कौन सी place है? Tens place. तो tens place में कौन सी digit है? 2. इसीलिए हम इसको कहते हैं 2 tens and 5 ones. Okay? उसी तरह से third place होती है 3 digit number 365. सो इसमें क्या होता है? इसमें 3 डिजिट्स होती हैं. सो प्लेस वैल्यू किस तरह से होगी हमें पता ही है. वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. ओके, तो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 5. तो हम वंस प्लेस पे 5 लिखेंगे. टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 6. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6. एंड हंड्रेड प्लेस पे 3. तो हंड्रेड्स बॉक्स में क्या आएगा? 3. तो इसी तरह से हम डिजिट्स का न्यूमरल्स करते हैं. ओके, तो इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, राइटिंग डिजिट्स फॉर राइटिंग न्यूमरल्स. ठीक है, सो राइट डिजिट फॉर राइटिंग न्यूमरल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18. तो 18 की यहां पर हमें स्पेलिंग दी हुई है, हम उसको पहले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो डिजिट में हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 and 8, 18. तो ये कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स. तो यहां पर टेंस प्लेस आएगी और वंस प्लेस आएगी. ओके, तो अब आपको बताना है कि वंस के बॉक्स में कौन से डिजिट लिखेंगे हम यहां पर से. जल्दी सोचो और बताओ. यस, हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 कौन सी प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है. तो हम यहां पर बॉक्स में लिखेंगे 8 और 8 के बाद कौन सी प्लेस होती है? टेंस प्लेस होती है. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1. सो ये हो गया 1 tens 8 ones. ओके, वैसे यहां पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट में हमें स्पेलिंग दी हुई है 1 hundred 55. तो हम इसको लिखेंगे पहले 1 hundred 55. सो ये कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स है और 3 डिजिट्स में कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. ओके, सो वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 5. और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है जो वंस के साइड में होता है? देखो, टेंस प्लेस पे कौन से बॉक्स आए, बॉक्स में कौन सी डिजिट आएगी? 5 ही आएगा. ओके, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है 5. अब हंड्रेड प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी यहां पर? 1, क्योंकि 1 कौन सी प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर है. ओके, सो यहां पर आएगा 1. सो इसी तरह से हमें वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर हमें सीखने में कोई दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे? वीडियो एक बार रिवाइंड करेंगे और फिर से समझेंगे पूरी चीज को. ओके, थैंक यू.